आज की जनपद मार्केट वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मिनी मार्केट का काफ़ी सारी कलेक्शन, जिसमें मैं आपको एथनिक वेयर भी दिखाऊंगी और काफ़ी हद तक बैग्स कलेक्शन भी दिखाऊंगी, बहुत ही यूनिक टाइप के। उसके अलावा एक साड़ी फेस्टिवल चल रहा है जो गुजराती लेन के पास था। एथनिक वेयर में बीबा और डब्ल्यू के कुर्ते वगैरह भी देखने को मिलेंगे और ज़ारा और H&M टाइप के जो लेदर जैकेट्स आ रही हैं आजकल फर के साथ, वो भी आपको देखने को मिलेंगी 300 रुपीज़ की। उसके अलावा कोट वगैरह 300 रुपीज़ के और टेडी जैकेट्स भी, टेडी कोट्स भी 300 रुपीज़ के। 100-100 के भी कोट्स मिल रहे थे, अलग से स्टॉल्स लगे हुए थे चेकर्ड कोट्स में। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल पंकनेस विद भावना। मैं आई हूँ जनपद मार्केट। मैंने सोचा था सोरनी में तो लूट मचाई गई है, तो जनपद में भी मजा के देखते हैं। और यहाँ पर विंटर कलेक्शन काफ़ी डिफरेंट है और बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, कोट्स और स्वेड लेदर जैकेट्स बहुत सारी मिल रही हैं, शर्ट्स मिल रही हैं वुलन में और कुछ कुछ वुलन कुर्ते वगैरह भी मिल रहे हैं। अगर मुझे दिखे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। उसके अलावा क्लचेस और कुछ एक्सेसरी वाली चीज़ों भी दिखाऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जितना भी दिखा पाऊंगी उसमें बहुत मज़ा आने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं कोर्ट से, जो कि मैंने डीपॉल से अगर एंटर करोगे तो आपको दो स्टॉल्स दिखेंगे, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है और यहाँ पे बहुत सारी कोर्ट्स की कलेक्शन थी। यूजुअली यहाँ नाइट सूट्स मिलते हैं लेकिन विंटर वेयर में बहुत सारे कोर्ट्स मिल रहे थे। उसके बाद अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर चले जाते हो तो बहुत सारे कोर्ट्स की कलेक्शन काफ़ी सस्ते में मिल जाती है, अगर आप डीपॉल से एंटर करके लेफ्ट हैंड साइड पर लेते हो। टूवर्ड्स अगर आप कस्तूरबा गांधी मार्ग की तरफ अगर चलने लगोगे तो आपको कोट्स जो हैं काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल जाएंगे और काफ़ी फ्रेश लुकिंग भी होते हैं। जैसे रेड कोट, ऐसा कोट मैंने ज़ारा में भी देखा हुआ है। और उसके अलावा चेकर्ड कोट्स, कुछ टेडी हुडी वाले कोट्स, कुछ टेडी टाइप के कोट्स जैसे कि वाइट वाला कोट, ये सब आपको 200-300 रुपीज़ मैक्सिमम प्राइस में मिल जाएंगे। और उसके अलावा ये 100-100 के भी चेकर्ड कोट्स थे जो आजकल टेक्सचर्ड कोट्स चल रहे हैं, ज़ारा, H&M, अर्बैनिक, मिंत्रा वगैरह सब पे ये बहुत पॉपुलर है और इस टाइम पे मोस्ट ट्रेंडिंग है। इसके कॉर्ड सेट्स भी बना के आप पहन सकते हो विद अ मिनी स्कर्ट और या फिर पेंसिल स्कर्ट्स जो आती हैं। एक एंट्रेंस अगर आप रीगल बिल्डिंग या फिर संसद मार्ग की तरफ से आ रहे हो तो वो भी एक एंट्री पॉइंट है और वहाँ से भी ये दो चार शॉप्स मिलती हैं। इसके ऑपोजिट आपको जीन्स वाली शॉप्स मिल जाएंगी, लेकिन इन शॉप्स पे सर्दियों में स्पेशली काफ़ी अच्छे रीजनेबल प्राइस पे और काफ़ी डिफरेंट टाइप के, बहुत ही इंपोर्टेड टाइप के मिल जाएंगे। और उसके बाद मैं मिनी मार्केट की तरफ चलना शुरू होती हूँ उस एंट्री पॉइंट से टूवर्ड्स मिनी मार्केट। तो मिनी मार्केट जो मेन वाली है उसके पास ये वाली शॉप है जहाँ पे कई सारे डिफरेंट टाइप के कोट्स मिल रहे थे, जैसे कि कलर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ये पर्पलिश ब्लूइश बहुत ही डिफरेंट कलर है। और ऐसा सेम कोट मैंने ज़ारा पे भी देखा था एंड आई ट्राइड दिस एंड आई बॉट इट जस्ट फॉर 250 रुपीज़। और उसके बाद इसी के नेक्स्ट शॉप मैंने देखी तो यहाँ पर पफर कोट्स और जैकेट्स पड़े थे, ट्रेंच कोट्स भी पड़े थे जो काफ़ी कूल लग रहे थे बट थोड़े से वॉर्न ऑफ थे इसलिए मैंने इनको स्किप कर दिया। उसके अलावा यही वाला कलर का कोट और भी जगहों पे पड़ा हुआ था ब्लू, और इस बार मैंने सोचा था कि विंटर्स में मैं बहुत सारे कलर्स पहनूंगी। उसके बाद डीपॉल्स के पास ही सिलेक्शंस एक स्टोर है, उसके पास ये एक शॉप है जहाँ पर बहुत ही ट्रेंडी कोट्स मिल रहे थे। तो कोट्स का जो फैशन है ना वो कहीं नहीं जाता कभी भी, और एक कोट आपका कम से कम 5-6 साल चलता है, तो अगर थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी मिल जाए तो कोई बुरा नहीं है। और यहाँ पर 600-700 रुपीज़ का वो फर्स्ट कोट कर रहे थे, कुछ कोट तो 1000 रुपीज़ भी कोट कर रहे थे, जैसे कि एक टेडी कोट था जो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था, ये ब्लू कलर का, लेकिन इसका प्राइस वो बिल्कुल कम करने को तैयार नहीं थे। और ऐसे सेम कोट सरोजिनी नगर में भी मिल जाते हैं थोड़े और कम में, बहुत ही वार्म था ये, इसका 1000 रुपीज़ बोल रहे थे और मैं इसको लेना चाहती थी एट मैक्स 500 रुपीज़ में, उससे ज़्यादा नहीं, बट बहुत कलर भी यूनिक था इसका और लेकिन मैं ले नहीं पाई क्योंकि वो प्राइस बिल्कुल कम करने को तैयार नहीं थे। बट इसके अलावा जो भी मैं कोट्स आगे दिखाऊंगी मिनी मार्केट के अंदर बिल्कुल, वहाँ पर प्राइसेस फिर भी कम हो। स्वेटर्स की कुछ शॉप्स थी जहाँ पर 150-200 रुपीज़ में फिक्स प्राइस में स्वेटर्स मिल रहे थे, और ये ऑपोजिट जब आप डीपॉल से एंटर करते हो तो ऑपोजिट लेन में पड़ता है, यहाँ से मेन मिनी मार्केट शुरू होती है। शॉप नंबर शायद 20 या 17 ऐसे ही कुछ है, रैंडम शॉप नंबर्स हैं, कहीं पे 17 है कहीं पे 20 है, कोई एक सीक्वेंस नहीं है। तो अगर आप मिनी मार्केट जाओगे, छोटी सी मार्केट है, आराम से घूमोगे, आपको कोई ना कोई शॉप आइडेंटिफाई आराम से कर सकते हो। शॉप नंबर 19 में पफर कोट्स और जैकेट्स लॉन्ग में पड़े हुए थे, और ये भी इनका भी प्राइस आपको 800-900 से शुरू होके सीधा ये 350 के अराउंड दे देंगे, और बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, वेलवेट के कोट वगैरह भी थे और लॉन्ग कोट्स में बहुत वैरायटी थी। शॉप नंबर क्या है भैया?
19। ब्रिटिश बुक स्टोर में आपको बुक्स भी मिल जाएंगी 100, 150 या 50 रुपीज़ की। उसके अलावा टेडी कोट्स वगैरह मिल रहे थे, जो फर टाइप के कोट्स होते हैं जो आजकल काफ़ी पॉपुलर है। टेडी स्वेट शर्ट्स भी मिल रही थी और नाइट सूट के लिए वेलवेट वाले क्वाड सेट्स भी मिल रहे थे अराउंड 400 रुपीज़ में। उसके अलावा बहुत ही कूल स्वेट शर्ट्स मिल रही थी जो कि H&M में मिलती हैं, वैसी वाली बिल्कुल जैसे ये ऑस्टिन वाली, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी H&M में पड़ी होती हैं। और इनके पास ड्रेसेस भी हैं थोड़ी समर की, तो अगर आप समर की ड्रेसेस ढूंढ रहे हो तो यहाँ पर देख सकते हो। पफर कोट्स और जैकेट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये वाली शॉप भी थोड़ी एक्सपेंसिव बोलते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही ओवर प्राइस होता है, 500 से स्टार्टिंग प्राइस करते हैं, बट यहाँ पजामे वगैरह अच्छा मिल जाते हैं। शॉप नंबर 9 पे ये शर्ट और क्रॉप टॉप का सेट पड़ा हुआ था चेक में, जो काफ़ी कूल लग रहा था। अगर इसको इन्होंने ट्राउज़र के साथ किया होता तो और अच्छा लगता है, और ये 250 रुपीज़ का था। उसके अलावा एक दो शॉप्स हैं जिनमें बहुत ही फ्रेश लुकिंग स्वेटर्स मिल जाते हैं, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। और इनके पास केबल निट स्वेटर्स और लॉन्ग में ड्रेसेस टाइप के स्वेटर्स, जो अगर आप ड्रेस बनाना चाहो या कुर्ते की तरह पहनना चाहो तो आप पहन सकते हो। और ऐसे टाइप के भी जो हिमाचली टाइप की फील देते हैं या यूरोपियन फील देते हैं क्रिसमसी, वो भी। उसके अलावा क्वाड सेट्स पड़े थे 1500 रुपए के थे एडिडास वाले, और पिंक कलर में भी था, ब्लैक में भी था। इसमें कलर्स मैं आपको शो करूंगी। इसमें अंदर टेडी फील थी तो काफ़ी वार्म भी था और मुझे ये काफ़ी कूल लगा था, बट 1500 से कम मान ही नहीं रहे थे ये किसी भी तरीके से। उसके अलावा यहाँ पे कॉट सेट्स वो ज़ारा वाले जो अभी तक चल रहे हैं, नाइट सूट में पहनना है या कैजुअली लाउंज वेयर करना है तो उसके वो सब ले सकते हो। क्रॉप टॉप्स और हाई नेक स्वेटर्स और थोड़े बहुत टॉप्स जो समर्स के लिए लेयरिंग करने के लिए भी काम आते हैं, इसी में ब्लैक कलर भी था और वाइन कलर भी था। जो मैंने पिंक कलर का सेट दिखाया था क्वाड सेट जॉगिंग वाला, जो आप वर्कआउट में यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा वर्सिटी जैकेट्स वगैरह भी थी, और ये सब प्राइस अलग अलग वेरी करेगा और डेफिनेटली दिन का भी फ़र्क पड़ता है। वीकेंड पे जाओगे तो और ज़्यादा ओवरचार्ज करते हैं, लेकिन आजकल वीकडे में अच्छा प्राइस मिल जाएगा। स्कर्ट्स वगैरह भी हैं इनके पास। उसके अलावा नेक्स्ट उसी के नेक्स्ट शॉप है जहाँ पर ये स्वेटर्स मिल रहे थे नॉट वाले, और ये मुझे बहुत कूल लग रहे थे और बहुत फ्रेश और ब्रांडेड लुकिंग स्वेटर्स थे। इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी होती है, कलेक्शन बहुत अच्छी होती है, तो इसमें ब्लैक है, येलो है, पिंक है, बहुत सारे कलर्स हैं, और हर टाइप में इनके पास अलग अलग कलर्स भी थे और साइजेस भी थे। आपको जो जौन सा साइज़ चाहिए वो सब मिल जाएगा, और 500 रुपीज़ फिक्स प्राइस है क्योंकि ये सारे बड़े फ्रेश लुकिंग होते हैं और इनमें ब्रांडेड टैग्स वगैरह भी होते हैं, ये अनयूज्ड होते हैं बिल्कुल, तो इसलिए ना ही ये, और ऊपर से एक स्पोर्ट्स सरप्लस भी है। और क्या है 12 शॉप नंबर में 300 का सेल है। शॉप नंबर 12 के बाद ही एक शॉप है जहाँ पर कुर्ते वगैरह भी पड़े थे और ये जैकेट्स पड़ी थी, कोट्स पड़े थे लॉन्ग फर वाले, जो रशिया में पहनो तो अच्छे लगेंगे टाइप्स, और टेक्सचर्ड कोट्स भी यहाँ पर अवेलेबल थे जिसमें अलग अलग टाइप्स थे इनके पास, और ब्लेजर्स भी थे। ये सब कोट कर रहे थे 500 रुपीज़, बट 250 में मिल जाता है। इनके पास सीक्वेंस ड्रेसेस वगैरह भी मिलते हैं, गाउन्स भी मिलते हैं, टॉप्स भी मिलते हैं और स्कर्ट्स भी मिलती हैं। और क्योंकि अगर न्यू ईयर के टाइम पर लेते तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, बट इस टाइम पर लोगे तो फिर भी अच्छा रेट भी मिल जाएगा। और यहाँ पर वो कॉकटेल गाउन जो होते हैं ना, वो सब मिल रहे थे, तो ये वाली शॉप को चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट शॉप में शॉप नंबर 14 पड़ती है, ये बिल्कुल ज़ारा के एग्जैक्ट ड्यूप्स हैं। ज़ारा पे भी ऐसे ही कोट जैकेट्स पड़ी हैं जो स्वेड लेदर की विद फर, और आजकल ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है इन वाले कोट्स जैकेट्स का। और ज़ारा पे आप लोगे तो 6000 रुपये का पड़ेगा, यहाँ पर लोगे तो आपको 400-500 रुपये में एट मैक्स मिल जाएंगे। और इनके पास टेडी लॉन्ग कोट्स भी थे जो स्वेट शर्ट जैसे वर्क करते हैं या लॉन्ग ड्रेस की तरह वर्क करेंगे, और कोट्स में जो कलेक्शन थी वो 200-300 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। जिस हिसाब से दिल्ली की विंटर्स चल रही हैं उस हिसाब से तो हर शॉप से 10 चीज़ें उठाने का मन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी वार्म लुकिंग और काफ़ी स्टाइलिश लुकिंग चीज़ें हैं। और ये शॉप नंबर 14 के साथ ही जो शॉप थी उस पर भी सेम टाइप ऑफ ज़ारा टाइप की जैकेट्स पड़ी थी स्वेड वाली, उसके अलावा कोट्स वगैरह इस पर भी पड़े हुए थे, और
आप एक जगह से अगर लेते हो तो अगर वो बार्गेन नहीं मानते तो आप नेक्स्ट शॉप पे जाके ज़रूर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हर शॉप के पास ऑलमोस्ट सिमिलर स्टफ़ है और स्वेटर्स वगैरह की कलेक्शन भी हर शॉप के पास है। ये रेड कलर के कोट्स आजकल काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप कलर की तरफ देखो और टेक्स्चर्ड कोट्स इस बार तो ज़रूर लेके अपनी वार्डरोब में रखो, क्योंकि 2-3 साल तो ये ट्रेंड कहीं नहीं जा रहा। एंड कुछ तो बिल्कुल यूनिक स्टाइल्स मिलेंगे जो फॉरेन कंट्री में ही मिलते होंगे, जैसे कि ये वाले टाइप के कोट जो कट स्लीव्स होते हैं, जिसमें अगर आपके हाथ थकते हैं भारी भारी कोटों से तो आप हाफ स्लीव वाले कोट ले सकते हो। तो ये सब शॉप नंबर 14 के आसपास है, ये नेक्स्ट शॉप्स चलती जा रही हैं। उसके अलावा ये चंकी स्वेटर्स हैं और टेडी स्वेटर्स हैं जो 350 या 300 रुपीज़ में मिल जाएंगे, और इनके साथ इनके पास कॉर्ड सेट्स भी थे और ट्रेंच कोट्स और या फिर डबल ब्रेस्टेड कोट्स भी हैं जो पिंक कलर, ब्लू कलर, ऐसे टाइप के कलर्स मिल रहे थे, और ये ड्रेस लाइक भी होते हैं, इनके साथ आप स्टॉकिंग्स भी पहन सकते हो। और इनका इसने इन्होंने कोट किया था 250 रुपीज़ और आफ्टर बार्गेनिंग। और उसके अलावा ये जो स्वेटर्स है केबल निट वाले, वो भी काफ़ी पॉपुलर हैं और ये पूरे थ्रू आउट आपको जनपद पे मिल जाएंगे। शॉप नंबर 21 पे स्कर्ट्स, मिनी स्कर्ट्स जो है बहुत ही स्टाइलिश वाली मिल रही थी, और इनके पास लेदर पैंट्स भी मिल जाती हैं। यूजुअली मैंने एक दो लेदर स्कर्ट्स यहाँ से ली थी। उसके अलावा यहाँ चेक वाली स्कर्ट्स, टेक्सचर्ड स्कर्ट्स जिसको आप कोट सेट बना सकते हो, पीछे कोट्स जो है वहाँ से कोट लेके और यहाँ पर अपनी स्कर्ट लेके और स्टॉकिंग्स के साथ उनको पेयर अप करके विद अ ब्लैक टॉप। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली स्कर्ट्स और ट्राउजर्स के लिए शॉप मैं आपको रेकमेंड करूँगी, 21 शॉप नंबर। और इनके पास सीक्वेंस में भी है और बहुत सारे प्रिंट्स भी हैं, एनिमल प्रिंट वगैरह टाइप के और लॉन्ग शॉर्ट अलग अलग टाइप की है। शॉप नंबर बताना भैया। 21। बहुत ही अमेजिंग फॉर्मल पैंट्स मिल रही हैं यहाँ पर, और इनमें भी साइजेस मिल जाएंगे, और ये 500 कोट कर रहे थे तो उसमें भी आप प्राइस इनसे बार्गेन कर सकते हो। आई थिंक 250 या 300 रुपीज़ में ही मिल जाना चाहिए। मतलब जनपद मार्केट इज़ नॉट अबाउट 100, इट्स ऑल अबाउट 250 300 रुपीज़, तो यहाँ पर लूट ही मानी जाती है वो, क्योंकि यूजुअली इनके प्राइसेस सीज़न में 600-700 चल जाते हैं। उसके अलावा एक शॉप है जहाँ पर दुपट्टे बहुत अच्छे मिलते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रिंट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा 50 रुपीज़ की ज्वेलरी मिल जाएगी यहाँ पर, बहुत ही फंकी टाइप की, जैसे सरोजनगर में बोहो शॉप है ना, वैसे यहाँ पर बोहो ज्वेलरी मिलती है। उसके अलावा डेंटी ज्वेलरी भी मिलती है, लेकिन बहुत डिफरेंट और यूनिक होती है, वन ऑफ अ काइंड होती है, जो किसी और के पास नहीं होगा ना, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और बीड्स वाली या फिर टैसल्स वाली, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी ओनली फॉर 50 रुपीज़। उसके ही साथ में ये शेड्स वाली शॉप्स होती है, उसके साथ ही आपको कोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ये अगेन जो ऑपोजिट साइड में दिखा रही हूँ, मेन मिनी मार्केट जो मैंने आपको शॉप्स दिखाई उसके ऑपोजिट दिखा रही हूँ अब मैं, जहाँ पे शेड्स हैं वहाँ 3-4 शेड्स की शॉप है, उसके साथ आप नोटिस कर लेना। तो ये सारी लेन अब मैं वही वाली दिखाऊंगी जिसमें आपको बैग्स, एथनिक वेयर भी इसी लेन में ज़्यादातर मिलता है, डब्ल्यू के कुर्ते वगैरह। और बैग्स की कलेक्शन वाली जो शॉप है, ये मैं दिखा रही हूँ, एक चांदनी शॉप है, उसके तरफ से अगर आप एंटर करते हो तो आपको ये वाली पर्टिकुलर लेन दिख जाएगी। शॉप नंबर 131 चांदनी वाली शॉप से अगर आप एंटर करते हो टुवर्ड्स मिनी मार्केट, तो मेन एंट्री के पास ही ये शॉप है, और टेक्सचर्ड कोट्स मिल रहे थे इनके पास। और ये वाली लेन जो है, ये और ज़्यादा सस्ती में मिल जाती है और ज़्यादा अच्छी बार्गेनिंग हो पाती है। उसके आगे चल के ये टाइप के कॉर्डरॉय टाइप की पैंट्स और कॉर्डरॉय टाइप की जैकेट्स, उसके अलावा कलर्ड पैंट्स जो कार्गो टाइप की आजकल चल रही है काफ़ी ज़्यादा, और डेनिम्स यहाँ पर अलग अलग साइज़ में मिल जाएंगी। और ये कोट कर रहे थे 650 रुपीज़, बट ये 350 में दे देते डेनिम्स, और इनकी डेनिम्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी, काफ़ी थिक क्वालिटी थी। उसके आगे जाके फिर से वो इजारा वाली जैकेट्स दिख गई मुझे, डब्ल्यू बीबा के ये कुर्ते जो हैं, ये एक बहुत बड़ा पेड़ आता है उसके पास है, और इसके मैंने पिछली वीडियोस में कभी दिखाया होगा, तो इनके पास बहुत ही फ्रेश और डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्शन होती है। इसमें वुलन वाले डब्ल्यू के कुर्ते मिल रहे थे, और ये इनका प्राइस भी बेसिकली इसीलिए थोड़ा सा हाई होता है क्योंकि ये ओरिजिनल डब्ल्यू और ओरेलिया और बीबा टाइप के कुर्ते हैं। छः बाय सैसरफराज जो मिंत्रा पे काफ़ी पॉपुलर है ना, उसके भी कुर्ते थे, और ये वाला मुझे पसंद आ रहा था, तो ये इसका कोट कर रहे थे शायद 1000 रुपीज़, और बहुत ही फ्रेश लुकिंग और बहुत ही सुंदर था ये येलो कलर का, और इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा था। उसके बाद मैं आउटर लेन में आ गई जहाँ पे बस स्टैंड है, जनपद रोड पे पड़ती है ये, और यहाँ पर बैग्स वगैरह क्लचेस वगैरह मिल जाते हैं 300-400 रुपीज़ में। इनमें बहुत सारी वैरायटी है, इसमें मेटालिक वाले भी मिलते हैं, फैब्रिक वाले भी मिलते हैं, और वुडन वाले भी मिलते हैं।
तो इनका प्राइस जो मेटालिक वाले होते हैं उनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा हाई होते हैं। उसके अलावा रैंडम बैग्स भी थे जो थोड़े ब्रांडेड लुकिंग या वेस्टर्नाइज्ड आउटफिट के साथ पहनने के लिए काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो उसमें मेरे को एक पिंक वाला पसंद आया था और एक ग्रीन वाला जो ये क्रोशे टाइप की फील दे रहा था, बट और ये एजटैक प्रिंट वाला भी अच्छा था। आजकल ऐसे वाले बैग्स चल रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स पे पड़े हुए हैं। और उसके अलावा यहाँ पर ये और टाइप के जो थोड़े और सोफिस्टिकेटेड किसी को गिफ्ट करने के लिए भी यहाँ पे अच्छी ऑप्शन मिल रही थी। आउटर लेन में ही जब आप टिबेटियन मार्केट की तरफ जाने लगते हो या मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 की तरफ जाने लगते हो तो ऐसे बहुत सारे स्टोर्स आते हैं जो थोड़े से और एक्सपेंसिव होते हैं। यहाँ पर स्टॉल्स मिल जाएंगे, ज्वेलरी मिल जाती है, कुंदन ज्वेलरी वगैरह और दुपट्टे और फैब्रिक मटेरियल वगैरह भी मिल जाता है। जो स्टॉल्स हैं वो 300-400 रुपीज़ स्टार्टिंग प्राइस होता है, 700-800 तक भी चले जाते हैं। उसके बाद ये एक पर्टिकुलर शॉप है जहाँ पर हर टाइप का फैब्रिक मिल जाएगा आपको, चिकनकारी कुर्ते भी मिल जाएंगे, साड़ियाँ भी मिल जाएंगी, फुलकारी भी मिल जाएगी, इंडिगो प्रिंट्स और ऑर्गेन्जा वाले दुपट्टे वगैरह भी मिल जाएंगे। ऑर्गेन्जा वाले दुपट्टे कुछ 650-700 रुपीज़ के कोट कर रहे थे जिसमें प्रिंटेड भी थे और प्लेन भी थे। और स्टॉल्स भी मिल जाएंगे वुलन वाले जो आजकल बहुत काम आते हैं, उसके अलावा ब्लॉक प्रिंट वाले कुर्ते। उसके बाद मैं इसी के आगे जाके अंदर घुस सकते हो आप टुवर्ड्स द साड़ी फेस्टिवल, इस टाइम पे लगा हुआ है और हर टाइम कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, तो बहुत अच्छा फेस्टिवल था ये टू विटनेस। ये थोड़ा दिल्ली हाट टाइप फील दे रहा था और क्योंकि यहाँ पर हर स्टेट से अलग अलग स्टेट से आए हुए थे और हैंडलूम वाला स्टफ था जो बिल्कुल हाथ का काम होता है जैसे कांथा वगैरह वर्क वगैरह का होता है। और इनके पास साड़ी दुपट्टे और कुर्ते बने हुए भी थे और बट मैंने यहाँ से कुछ लिया नहीं क्योंकि दिल्ली हाट में भी सेम चीज़ें मिलती हैं और मेरे पास कुछ कुछ स्टफ है जैसे राजस्थानी बांधनी वर्क की साड़ियाँ और दुपट्टे थे और इसमें बहुत वाइब्रेंट कलर्स थे। अगर आप उदयपुर की आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल ऐसे ही सारी शॉप्स लगती हैं हाथीबोल मार्केट में और एक के बाद एक सबके पास कलेक्शन ऐसी होती है। ग्रीन वाला विद पिंक कितना अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है, लहरिया में भी मिलता है इनके पास और गोटा वर्क में भी मिल जाता है और बहुत ही अमेजिंग। मुझे तो राजस्थानी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं तो अगर आप राजस्थानी चीज़ें लाइक करते हो तो इस वाले फेस्टिवल में जाके चेकआउट कर सकते हो। लिनन में कलर ब्लॉक में साड़ियाँ और टाइप की भी साड़ियाँ जो जरी वर्क के साथ जो वेस्ट बंगाल से स्टॉल आया हुआ था। हम में से कई लोगों को कई सारी चीज़ें नहीं पता होंगी कि कहाँ से कौन सी हैंडलूम या कौन से वर्क का काम आता है, तो ये एक्सपीरियंस लेने के लिए भी ऐसे टाइप के जो फेस्टिवल्स होते हैं जो फेस्ट लगे होते हैं उनसे भी बहुत कुछ समझ में आता है। जैसे यूपी से बनारसी सिल्क आता है और कितनी उसमें मेहनत लगती है, कितना ज़्यादा ओवर प्राइस भी होता है, कईयों में तो गोल्ड भी लगा होता है जरी में, तो ये सब चीज़ें भी कि कितने की साड़ी पड़ जाती है और कितने दिन लगते हैं एक साड़ी बनने में, वो सब भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। मध्य प्रदेश से महेश्वरी साड़ीज लाए हुए थे और सारे स्टेट्स एक के बाद एक अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे विद बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स। इतने कलर्स हैं हमारे इंडियन वेयर में, हमारे पास इतना ब्यूटीफुल लगता है, कोई भी जज जाता है इंडियन वेयर में। इससे साड़ीज इज़ वन थिंग जो मुझे लगता है और ज़्यादा प्रमोट होनी चाहिए, और ज़्यादा हमें पहननी चाहिए, डेली वेयर में अपने इंक्लूड करना चाहिए। व्हाट डू यू से, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो। एंड जो इतनी आर्टिस्टिक और क्रिएटिविटी है हमारे हैंडलूम में कि ड्राइंग्स करी होती हैं और सब प्लानिंग होती है कि कलर ब्लॉक कैसे होना है या कलर कॉम्बिनेशंस क्या होने हैं या ब्लॉक प्रिंटिंग की इतनी प्रिसिशन होती है कि स्केल के बिना वो करते हैं। और एक स्टॉल में तो सिल्क वॉर्म्स लाए हुए थे, उन्होंने अलग अलग से दिखाया हुआ था कि कैसे मलबरी टसर या मुगा सिल्क कैसे बनता है और ताकि यहाँ के यूथ को समझ में आए कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। उसके बाद मैं बाहर निकल के थोड़ा सा गुजराती लेन मैंने देखा तो यहाँ पर बहुत ही कूल बैग्स पड़े हुए थे। ये आए वाला मुझे बहुत कूल लग रहा था, 450-500 रुपीज़ का बोल रहे थे और इसमें भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्लचेस और बैग्स मिल जाते हैं
वेरी गुड फॉर गिफ्टिंग ऑप्शंस आल्सो। एंड इसके अलावा गुजराती लेन में आपको डिटेल में किसी और दिन दिखाऊंगी। सिल्वर ज्वेलरी वगैरह तो मैंने आपको दिखानी होती है एक वीडियो में, एक बार तो एक पूरा सेशन दिखाना ही होता है। तो ये भी गुजराती लेन में ही थी, बहुत बड़ी इनकी स्टोर है ज्वेलरी का, इनके पास बहुत अच्छी कलेक्शन होती है। इनके पास से काफ़ी कलेक्शन ली हुई है मैंने, लॉन्ग नेक पीसेस, चोकर्स, कुछ शीशे वाला काम, कुछ अफगानी मटेरियल और कुछ रिंग्स वगैरह। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, मज़ा आया देखने पे, इतनी वैरायटी ऑफ कलेक्शन मैंने आपको दिखाई है, तो लाइक का बटन ज़रूर दबा के जाना। आपको लाइक का बटन दबाने में आपके जेब में से एक पैसा नहीं जाने वाला, लेकिन मेरे को इतनी खुशी मिलेगी, इतनी मोटिवेशन मिलेगी कि आई एम गोइंग टू गिव यू मोर कॉन्टेंट, जितना मैं क्रिएट कर सकती हूँ, जितना मैं और ढूंढ ढूंढ के लाऊंगी चीज़ें। तो इतना इनकरेज करने के लिए बस एक लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन दबाना है। बेल आइकन दबाओगे तो अच्छा लगेगा, आपको हर चीज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। गुजराती लेन की ज्वेलरी जो है थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, लेकिन अमेजिंग होती है।